तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि बेसिक्स क्या हैं बैक प्रोपगेशन एल्गोरिथम के। तो कोई रिवाइज करा सकता है कि बैक प्रोपगेशन का बेसिक क्या था और क्या डिफरेंस था और जो इससे पहले एल्गोरिथम हमने जो पढ़ी और उसमें और बीपीए में। भूल गए, 2 मेन डिफरेंस थे। पहला, जो अदर्स एल्गोरिथम थी वो उन सबकी जो वर्किंग थी वो कौन सी थी, फीड फॉरवर्ड। और इसमें जैसे इसका नाम है ना बैक प्रोपगेशन, तो इसमें क्या हो गया, जो इसकी मूवमेंट है इसमें वो बैकवर्ड भी होगी, फीड फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड दोनों होंगे। और दूसरी जो डिफरेंस था वो जो एक्टिवेशन फंक्शन था, एक्टिवेशन फंक्शन लीनियर था और इसमें कैसा होगा, नॉन लीनियर। और एक और जो है ना लाइन या एक सेंटेंस हमने वहां पर पढ़ा था कि जो नॉन लीनियर इंग्लिश है। हाँ, क्या क्या पढ़ा था? कि मल्टीपल न्यूरॉन विद लीनियरिटी, विल एक्ट एज अ सिंगल न्यूरॉन। यानी आप कितनी भी सिंगल न्यूरॉन कह लो या सिंगल लेयर कह लो, कि आप कितनी भी लेयर बना दीजिए, बट अगर वो लीनियर एक्टिवेशन फंक्शन है तो वो एक सिंगल लेयर न्यूरॉन के तरीके से ही वर्क करेगा, मल्टी लेयर न्यूरॉन के तरीके से वर्क नहीं करेगा। तो ये जो मेन पॉइंट्स हैं इनसे जो रिक्वायरमेंट आई थी वो रिक्वायरमेंट थी बीपीए की, बैक प्रोपगेशन एल्गोरिथम, जिसमें हमारी मूवमेंट फॉरवर्ड भी होगी और बैकवर्ड भी होगी। तो जो इसके जो है ना स्टेजेस हैं जो बैक प्रोपगेशन एल्गोरिथम के, वो मेनली आज मैं आपको केवल बैक प्रोपगेशन एल्गोरिथम के स्टेप्स हैं, जो जो जनरल एल्गो के स्टेप्स हम जिस तरीके से लिखते हैं वो स्टेप्स बताऊंगा, और इसको सॉल्व करके फिर नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। ओके सर, एक एग्जांपल लेके, और कोशिश ये करेंगे कि जो नेक्स्ट क्लास है आज, जैसे क्या है ट्यूजडे है ना, आज एक क्लास है, जो नेक्स्ट क्लास हमारी होती है उस दिन दो क्लास होती है बट डिफरेंस पर होती है। तो एक टाइम ऐसा देखूंगा जिसमें दो कंटिन्यूअस क्लास ले लूंगा, क्योंकि एक जो इसका बैक प्रोपगेशन एल्गोरिथम का जो हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस होगा या फिर एग्जाम्पल को जो सॉल्व करेंगे उसमें टाइम ज्यादा लगेगा, तो दो कंटिन्यूअस क्लास लूंगा, चाहे भले ही आपके शाम में 4 बजे के आसपास लो। ठीक है, तो स्टेजेस में जो फर्स्ट स्टेज है दैट इज इनिशियलाइजेशन ऑफ वेट्स, सबसे पहले आप क्या करोगे, वेट को इनिशियलाइज करोगे, फर्स्ट स्टेज। सेकंड स्टेज इज फीड फॉरवर्ड, मींस जो मूवमेंट है, जो हम पुराने एल्गोरिथम्स में भी पढ़ते आए थे कि इनिशियली हम रैंडम वेट को इनिशियलाइज करते थे, देन वी यूज्ड टू मूव फॉरवर्ड वेट को अपडेट करते हुए। यहां तक ये दोनों स्टेप पुराने एल्गोरिथम जैसे ही हैं। जो थर्ड स्टेज है दैट इज बैक प्रोपगेशन ऑफ एरर, ये इससे डिफरेंस है जो पुराने, बैक प्रोपगेशन ऑफ एरर्स। ये जो स्टेप है, ये जो एल्गोरिथम हमने किसके लिए पढ़ी थी, ये वाले जो एल्गोरिथम थे ये हमने पढ़ी थी न्यूरॉन, परसेप्ट्रॉन एंड एडेलाइन, एडेलाइन एंड और मेडेलाइन, इन सब के लिए जो एल्गोरिथम पढ़ी थी उन सब में ये दो स्टेप होते थे बस। बट जो है ना इसके अलावा
जब बैक प्रोपगेशन की बात करेंगे तब ये थर्ड स्टेप इंक्लूड होगा कि बैक प्रोपगेशन ऑफ एरर्स. इन सब में फीड फॉरवर्ड मूवमेंट होती थी, बैक प्रोपगेशन के लिए बैकवर्ड. एंड जब बैक प्रोपगेशन ऑफ एरर की एरर कैलकुलेट करके जो मूवमेंट है बैकवर्ड मूवमेंट हुई, देन जो नेक्स्ट स्टेप है दैट इज अपडेशन ऑफ वेट. वेट एंड बी यानी बायस. तो अब आप अगर पुराने एल्गोरिथम और इनमें डिफरेंस देखोगे तो कौन कौन से दो स्टेप का डिफरेंस आ रहा है. फर्स्ट इज बैक प्रोपगेशन ऑफ एरर्स, थर्ड स्टेप, एंड जो नेक्स्ट है दैट इज अपडेशन ऑफ डब्ल्यू या वेट और बायस. अगर हम पुराने एल्गोरिथम में बात करें तो हम केवल डब्ल्यू अपडेट करते थे, बायस को जो है ना नहीं बायस पे चेंज करते थे. तो ये जो है ना बी का भी फॉर्मूला होता था चेंज करने के लिए, बी न्यू कैलकुलेट करते थे. तो ये जो थर्ड एंड फोर्थ स्टेप है ये दोनों स्टेप चेंज हैं. जो भी एल्गोरिथम हम न्यूरॉन, परसेप्ट्रॉन और एडलाइन के लिए यूज करते थे उनसे अलग है ये स्टेप थ्री एंड स्टेप फोर. अब इसके जितने भी स्टेप्स हैं उन सारे स्टेप्स को डिटेल में जो है ना लिखना है. अच्छा, ये डिटेल में लिखना क्यों है, क्योंकि एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में, एक्सप्लेन अबाउट बैक प्रोपगेशन एल्गोरिथम. तो आप जो है ना उसके पर्पस से इनकी आपको जरूरत पड़ सकती है. इसके स्टेप्स में अगर हम बात करें, स्टेप्स से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इनिशियलाइजेशन ऑफ पैरामीटर्स. क्योंकि एल्गोरिथम जब आप स्टार्ट करेंगे तो एल्गोरिथम स्टार्ट करने से पहले पैरामीटर्स का इनिशियलाइज करना है. तो जो इसमें पैरामीटर्स है कौन कौन से है, सबसे पहले x है, x इज इनपुट ट्रेनिंग वेक्टर. ये लैंग्वेज से कंफ्यूज मत होना, x इनपुट ट्रेनिंग वेक्टर की अगर हम बात करें तो जो हम पहले जो पढ़ते आए हैं उसे हम क्या पढ़ते आए थे, x1 x2 x3 अप टू xn. तो अगर हम इसको जनरलाइज्ड वे में कहेंगे तो जनरलाइज्ड वे में दैट इज इनपुट ट्रेनिंग वेक्टर. यानी एक और अगर हम सिंपल उसमें कहें तो इनपुट पैरामीटर्स जो आप x1 से लेके xn तक इनपुट करते थे. देन इसके बाद जो टी है, टी क्या था, टारगेट वेक्टर यानी t1 t2 अप टू tn. जैसे हमने एंड या एक्सओर के केस में देखा कि जब हमने 1-1 इनपुट दिया तो आउटपुट 1 होना चाहिए या फिर 0 होना चाहिए. तो जो डिजायरेबल आउटपुट है दैट इज टारगेट. इसके बाद है नेक्स्ट पैरामीटर इज डेल्टा के. दिस डेल्टा के इज एरर एट आउटपुट यूनिट. दैट आउटपुट यूनिट इज वाई के. ये किस तरीके से, अगर हम इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करें, ये क्या हो जाएगा, x1 x2 x3, ये इसका इससे कनेक्शन भी होगा, इसका इससे भी कनेक्शन होगा, इसका इससे कनेक्शन होगा, देन फिर इसके बाद x2 का कनेक्शन इससे होगा, x2 का कनेक्शन इससे भी है, इससे भी है, देन फिर x3. ये जो लेयर है ये कौन सी है, हिडन लेयर है. ये कौन सी है, इनपुट लेयर है, और ये है आउटपुट लेयर. देन इसके बाद इसका कनेक्शन इससे भी है, ये तीनों कुछ इस तरीके का कनेक्शन बनेगा आपका. तो अगर आउटपुट लेयर में बात करें तो दिस वन इज 1 2 3.
इनपुट के केस में भी ये वन टू सॉरी हिडन में वन टू थ्री और इनपुट में वन टू थ्री, तो जो डेल्टा के है डेल्टा के इज एरर एट आउटपुट यूनिट वाई के, मीन्स अगर हम डेल्टा टू की बात करेंगे तो डेल्टा टू मीन्स एरर एट दिस आउटपुट यूनिट, अगर डेल्टा थ्री की बात करेंगे तो एरर एट दिस आउटपुट यूनिट। ये पॉइंट क्लियर है? यस सर। देन डेल्टा के बाद डेल्टा जे, दिस इज एरर एट हिडन यूनिट, हिडन यूनिट जेड जे, मींस ये जो डेल्टा है। अच्छा डेल्टा की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जब हम इसमें मूवमेंट करेंगे तो मूवमेंट कहाँ होगी, ये आपके आउटपुट लेयर है, ये हिडन लेयर है, ये इनपुट लेयर है, तो जो मूवमेंट है आउटपुट टू हिडन एंड देन हिडन टू इनपुट, जो नॉर्मल जो मूवमेंट है वो इस तरीके से होती थी इनपुट टू हिडन एंड हिडन टू आउटपुट। जब आप बैक प्रोपेगेशन करोगे वेट अपडेट करने के लिए तो जो एरर की जो मूवमेंट एरर कैलकुलेट करने के बाद जो मूवमेंट बैकवर्ड डायरेक्शन में दैट विल बी फ्रॉम आउटपुट टू हिडन एंड हिडन टू इनपुट, तो जो एरर है एरर को आप आउटपुट यूनिट पर भी कैलकुलेट करोगे और हिडन यूनिट पर भी, तो सो डेल्टा जे मींस एरर एट सेकंड हिडन यूनिट। सिमिलरली अल्फा, अल्फा इज लर्निंग रेट, इसके बाद वी ओ जे, वी ओ जे दिस इज बायस ऑन हिडन यूनिट। अब इसमें अगर आप ये देखोगे ना कि जे और के में जे इज फॉर हिडन यूनिट एंड के इज फॉर आउटपुट यूनिट, जे की बात कर रहे हैं इसको हम अगर प्रीवियस नोटेशन की बात के हिसाब से चलें तो यहां पर क्या लिखते थे, वी वी की जगह बी लिखते थे, तो बायस ऑन हिडन यूनिट। इसके बाद जेड जेड जे दिस इज हिडन यूनिट, जे अगर जेड टू की बात कर रहे हैं इट मींस हिडन यूनिट टू, फिर इस नेक्स्ट इज डब्ल्यू ओ के दिस इज बायस ऑन आउटपुट यूनिट के, ये के जो ले रहे हैं ना हम ये आउटपुट से रिलेटेड ले रहे हैं, यानी अगर एक तरीके से बात करें तो जो आउटपुट लेयर है दैट आउटपुट लेयर विल बी फ्रॉम वन टू के, हिडन लेयर विल बी फ्रॉम वन टू जे, सो डब्ल्यू ओ के दिस इज वायस ऑन आउटपुट यूनिट के, जो भी अगर हम डब्ल्यू ओ थ्री लिख रहे हैं मीन्स बायस एट दिस थ्री, तो ये आपने इसके पैरामीटर्स इनिशियलाइज किए किसी भी एल्गोरिथम को स्टार्ट करने से पहले। देन आफ्टर द इनिशियलाइजेशन ऑफ पैरामीटर्स फिर इनके स्टेप शुरू होंगे, तो जो फर्स्ट स्टेप है स्टेप वन, सबसे पहले आप क्या करेंगे इनिशियलाइज वेट टू इस इनिशियलाइज वेट विद अ रैंडम स्मॉल वैल्यू, क्योंकि जब भी हम वेट को इनिशियलाइज करते हैं तो सबसे पहले कम वैल्यू के साथ इनिशियलाइज करेंगे, तो इनिशियलाइज वेट विद अ रैंडम वैल्यू ब्रैकेट में स्मॉल लिख लीजिए, जिससे आपको ये याद रहे कि हमें स्मॉल वैल्यू से
इनिशियलाइज करना है. देन इसके बाद स्टेप टू, जो सेकेंड स्टेप है, आप चेक करेंगे स्टॉपिंग की कंडीशन के एल्गोरिथम स्टॉप होनी है या नहीं होनी. सो इफ व्हाइल स्टॉपिंग क्राइटेरिया इज फॉल्स, डू स्टेप 3 to 10. इस पॉइंट का मतलब क्या है कि आप क्या कर रहे हो, स्टॉपिंग क्राइटेरिया चेक कर रहे हो. अगर फॉल्स है तो आगे मूव करें, अगर फॉल्स नहीं है, ट्रू है, तो एल्गोरिथम स्टॉप हो जाए. देन स्टेप 3, फॉर ईच ट्रेनिंग पेयर डू स्टेप 4 to 9. क्योंकि अब यहां पर आप देखो ना, ये 3 to 10 मीन्स आपने थर्ड स्टेप, इस स्टेप से लेके लास्ट स्टेप तक जाएंगे, फिर ये जो प्रोसेस है ये रिपीट करेंगे फॉर ईच ट्रेनिंग पेयर. ईच ट्रेनिंग पेयर मीन्स जैसे अगर हम दो इनपुट लेते थे तो x1 x2 लिया, तो 0 1 0 1 और 0 0 1 1. तो एक ट्रेनिंग पेयर ये हुआ, दूसरा ट्रेनिंग पेयर ये, तीसरा ये और चौथा ये. तो चार ट्रेनिंग पेयर हैं, चारों ट्रेनिंग पेयर के लिए आप स्टेप 4 to 9 को सॉल्व करेंगे. इसके बाद जो मूवमेंट आएगी, जो हमने इसे डिवाइड किया था ना चार पार्ट में, चार पार्ट में सबसे पहला कौन सा था, इनिशियलाइजेशन. तो ये जो पार्ट है यहां से यहां तक, ये पार्ट हुआ आपका इनिशियलाइजेशन. और इनिशियलाइजेशन के बाद नेक्स्ट जो पॉइंट, नेक्स्ट स्टेप था या नेक्स्ट स्टेज थी, वो थी फीड फॉरवर्ड. तो ये फर्स्ट स्टेज, ये सेकंड स्टेज. और सेकंड स्टेज में स्टेप कौन सा आएगा यहां पर, स्टेप 4. मींस जो तीन स्टेप हैं, वो तीन स्टेप किससे रिलेटेड है, इनिशियलाइजेशन से. फोर्थ स्टेप इज रिलेटेड टू फीड फॉरवर्ड. एंड इसके बाद स्टेप 4, जब आप हर एक इनपुट पेयर के लिए सॉल्व करेंगे, तो फॉर ईच इनपुट रिसीव इनपुट सिग्नल XI. अब जब आपने इनपुट लेयर में XI रिसीव किया, तो रिसीव करने के बाद सॉल्व करते थे, और सॉल्व करने के बाद उसे हम ट्रांसमिट कहां करते थे, हिडन लेयर पर. सो ना, फॉर ईच इनपुट यूनिट रिसीव इनपुट सिग्नल XI, एंड आफ्टर रिसीविंग एंड कैलकुलेशन फिर क्या करोगे, एंड ट्रांसमिट दिस सिग्नल to all units in hidden layer. ये all units word क्यों use किया है, क्योंकि आपने यहां पर अगर हम इस network की बात करते हैं, तो जो यहां पर आपने input provide किए, देन कैलकुलेशन करने के बाद जो भी यहाँ से वेट है, ये सारे के सारे हर एक हिडन लेयर को, X1 इज कनेक्टेड टू दिस दिस हिडन, प्लस इससे भी कनेक्टेड है, प्लस इससे भी कनेक्टेड है. तो इसलिए जो आफ्टर द कैलकुलेशन ट्रांसमिट दीज सिग्नल्स टू ऑल हिडन लेयर. आफ्टर दैट स्टेप 5, फिर नेक्स्ट जो हिडन लेयर में जो कैलकुलेशन होगा फॉर ईच हिडन यूनिट्स, क्योंकि अब आप हर एक हिडन यूनिट के लिए कैलकुलेट करते थे. अगर आपको एक्सोर वाली प्रॉब्लम याद आ रही होगी, तो हम सबसे पहले इनपुट
कि जो है ना इनपुट लेयर में कैलकुलेट करते थे, उसके बाद हिडन लेयर में, हर एक हिडन लेयर पर कैलकुलेट करते थे, और उसके बाद इनपुट कैलकुलेट किया, उसके बाद इनपुट के बाद हमने एक्टिवेशन फंक्शन पर वाई इन कैलकुलेट किया एंड वाई इन को कंपेयर किया एक्टिवेशन फंक्शन से, एंड देन अकॉर्डिंगली वाई आउट डिसाइड किया था, आउटपुट ऑफ इनपुट न्यूरॉन और आउटपुट ऑफ हिडन न्यूरॉन. सो फॉर ईच हिडन यूनिट हिडन यूनिट कौन सी थी, हमने जे ली थी, सम इट्स वेटेड इनपुट सिग्नल. सम इट्स वेटेड इनपुट सिग्नल, और जो वेटेड इनपुट सिग्नल जब आप कैलकुलेट करते थे तो इसके लिए दैट इज जेड इन जे इज इक्वल टू, सबसे पहले आप बायस भी लेते थे वी ओ जे प्लस, इसके बाद W1 X1 करते थे, तो I इज इक्वल टू 1 टू N XI VIZ. अगर इस टर्म को अगर आप इसको हम कंपेयर करें पुराने से, तो ये जो टर्म है दिस कैन बी रिटन एज B1 प्लस W1 X1 प्लस W2 X2. इस तरीके से हम परसेप्ट्रॉन या उन सब में लिखते थे. तो ये जो वी ओ जे दिस इज बायस, देन एक्स आई मीन्स एक्स वन एक्स टू, वी आई जे मीन्स वेट डब्ल्यू वन डब्ल्यू टू. ये हम सिंगल की बात कर रहे थे इसलिए डब्ल्यू वन डब्ल्यू टू, अदरवाइज ये क्या हो जाता था डब्ल्यू वन टू एंड डब्ल्यू टू वन या डब्ल्यू टू टू, इस तरीके से चेंज होता था जब हम मल्टी लेयर का डिस्कशन करते हैं. देन जब आपने ये इनपुट कैलकुलेट कर लिया, इनपुट कैलकुलेट करने के बाद ये इनपुट कहां जाएगा, एक्टिवेशन फंक्शन से. सो देन अप्लाई एक्टिवेशन फंक्शन, क्योंकि बेस्ड ऑन एक्टिवेशन फंक्शन आउटपुट आएगा. सो अप्लाई एक्टिवेशन फंक्शन, एंड एक्टिवेशन फंक्शन के लिए जेड जे दिस विल बी इक्वल टू एफ ऑफ जेड इन जे, क्योंकि ये जो फंक्शन है ये इस पर डिपेंड कर रहा है, और इस एक्टिवेशन फंक्शन के अकॉर्डिंग जो आउटपुट आएगा दैट आउटपुट विल बी सेंड टू द, क्योंकि अब हिडन के बाद नेक्स्ट लेयर कौन सी है, आउटपुट यूनिट. सो आफ्टर दिस सेंड दिस सिग्नल, ये जो सिग्नल आएगा ये बेस्ड ऑन दिस इनपुट, जैसा जीरो या वन आता था हमारा प्रीवियस केस में, बट यहां पर हम जो है ना एक्टिवेशन फंक्शन का टाइप चेंज करेंगे, नॉन लीनियर एक्टिवेशन फंक्शन होगा. तो बेस्ड ऑन दैट नॉन लीनियर एक्टिवेशन फंक्शन आउटपुट आएगा आउटपुट ऑफ हिडन लेयर, एंड देन दैट आउटपुट ऑफ हिडन लेयर विल बी सेंड टू आउटपुट आउटपुट लेयर, और जो हिडन लेयर का आउटपुट है वो आउटपुट लेयर का इनपुट के तरीके से काम करेगा. तो सेंड दिस सिग्नल, जो भी सिग्नल जनरेट हो रहा है हिडन लेयर से टू आउटपुट लेयर, बिकॉज आउटपुट ऑफ हिडन लेयर इज इनपुट ऑफ आउटपुट लेयर. देन इसके बाद जो है नेक्स्ट इज स्टेप सिक्स. स्टेप सिक्स है, अब हमने जो कैलकुलेशन किया, कैलकुलेशन हम इनपुट लेयर से पहुंचे थे हिडन पर, हिडन का जो कैलकुलेशन करके वो हमने भेज दिया अब आउटपुट लेयर पे. तो जो अब कैलकुलेशन होगा वो जाएगा आउटपुट लेयर में. यहां तक की प्रोसेस मैं अभी जैसे आपको पहले भी बताया कि ये जो प्रोसेस है दिस प्रोसेस इज सेम एज प्रीवियस एल्गोरिथम्स. उसमें फिर से करना, फिर से कोई इशू है बेटा? नो सर, नो सर. हाँ सर, हिडन लेयर जब तक हम आउटपुट लेयर के कैलकुलेशन तक नहीं पहुंचते, या हम कहें कि एरर तक नहीं पहुंचते, तब तक जो एल्गोरिथम है वो प्रीवियस एल्गोरिथम के जैसे ही है. सो स्टेप सिक्स, फॉर ईच आउटपुट यूनिट, पहले किसके लिए कर रहे थे, फॉर ईच हिडन यूनिट. सो इन स्टेप सिक्स फॉर ईच आउटपुट यूनिट
अब आउटपुट हमने लिया सम इट्स वेटेड इनपुट सिग्नल्स, सम इट्स वेटेड इनपुट सिग्नल्स, और ये जो स्टेप है सम इट्स वेटेड इनपुट सिग्नल, दिस इज डन फॉर हिडन यूनिट ऑल्सो, हिडन के लिए भी कर रहे थे। मैं ये पॉइंट इसलिए बताता जा रहा हूँ कि जिससे आपको स्टेप 5 और स्टेप 6 में जो सिमिलरिटी दिखे तो ऐसा ना लगे कि ये हम कर क्या रहे हैं, ये नया स्टेप कहाँ से आ गया। तो जो प्रोसेस फीड फॉरवर्ड कंडीशन में फॉलो करते आए हैं हम प्रीवियस एल्गोरिथम में, द सेम प्रोसेस इसमें भी फ्लो यूज हो रही है अभी, जब तक कि हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेंगे। जब बैकवर्ड में मूव करेंगे तब प्रोसेस चेंज होगी। सो इन दिस केस ऑल्सो ये था हिडन के लिए, और ये है स्टेप 6 के लिए बात करेंगे, ये आउटपुट लेयर में है, और स्टेप 5 जो थे वो हिडन लेयर में है। ये नोटेशन चेंज हो जाएगा, क्यों? क्योंकि नोटेशन में आपने हिडन लेयर को लिए अलग नोटेशन लिया है और आउटपुट लेयर के लिए अलग नोटेशन लिया है, बट एक्चुअली जब हम न्यूमेरिकल में प्रोसेस सॉल्व करेंगे तो प्रोसेस सेम रहेगी फॉर बोथ, फॉर हिडन एज वेल एज फॉर आउटपुट। नोटेशन क्यों चेंज होगा? क्योंकि वहां पर आउटपुट ऑफ, जब न्यूमेरिकल सॉल्व करने में आउटपुट ऑफ इनपुट लेयर इज वर्किंग एज एन इनपुट ऑफ हिडन लेयर, एंड आउटपुट ऑफ हिडन लेयर इज वर्किंग एज एन इनपुट ऑफ आउटपुट लेयर। तो नोटेशन इसलिए चेंज हो रहा है, न्यूमेरिकल में आपको वो क्लियरली समझ में आएगा। यहाँ पर हो सकता है सिंबल में जब सिंबल्स यूज कर रहे हैं तो प्रॉपर आपको अंडरस्टैंडिंग उसकी न हो। तो फॉर ईच आउटपुट यूनिट y in k, this will be equal to w o k plus summation of j is equal to 1, j is equal to 1 to p, z j w j k। अगेन मैं इसको आप अगर पुराने उससे रिमाइंड करो तो जो ना दिस इज बायस एंड दिस इज w into x, so b plus W1 X1 या W2 X2 या W1 2 X1 plus W2 2 X2। तो ये जो फॉर्मेट है वो सिमिलर है, केवल नोटेशन डिफरेंस है। जब आपने वेटेड इनपुट कैलकुलेट कर लिया, देन वेटेड इनपुट को फिर आप किससे कंपेयर करोगे? एक्टिवेशन फंक्शन से। सो अप्लाई दिस वेटेड इनपुट एंड अप्लाई its activation function to calculate output. और output किस तरीके से decide करोगे? Output is yk, this is function of, ये जो y in k है, that is function of y in k. अब यहां तक जो गए, ये सारा का सारा फॉरवर्ड डायरेक्शन में था। जो नेक्स्ट होगा दैट जो थर्ड स्टेज थी कि बैक प्रोपेगेशन ऑफ एरर्स, सो नेक्स्ट इज स्टेप 7। For each output unit, receive क्या करना है? Target तो already हमने decide कर रखे थे। तो for each output unit, या फिर हम यहाँ पर अगर इसे short में लिखें, तो calculate error. एरर कैसे आएगी? आपने टारगेट डिसाइड कर रखा था, टारगेट पहले से पता था और आउटपुट आपका आया, सो दैट एरर कैन बी कैलकुलेटेड एज, क्योंकि हम आउटपुट लेयर में कैलकुलेट कर रहे हैं। सो यहाँ पर डेल्टा के हमने इनिशियलाइज कर लिया था, दिस विल बी इक्वल टू टी के, मीन्स आउटपुट के थ यूनिट का क्या टारगेट था, माइनस वाई के थ यूनिट का क्या आउटपुट है, and this is function of y in k। ये हमने error calculate की for output।
देन इसके बाद जब आउटपुट में एरर कैलकुलेट की हमें जो है ना हिडन में भी जो है अब क्या करेंगे इसके अकॉर्डिंग चेंजेस करेंगे. तो जो चेंजेस करेंगे तो नेक्स्ट स्टेप इज ईच हिडन यूनिट sums its delta inputs from unit or from ये कौन सी यूनिट क्योंकि अब आप जो है ना बैक प्रोपेगेशन कर रहे हैं तो फ्रॉम आउटपुट यूनिट. From जब एरर कैलकुलेट किए सो उससे अब हम कहां मूव करेंगे हिडन के डायरेक्शन में. सो फ्रॉम ईच हिडन यूनिट सम्स इट्स डेल्टा इनपुट फ्रॉम आउटपुट यूनिट. जो एरर आपने आउटपुट में कैलकुलेट किए थे उसको हिडन यूनिट में इनपुट करके उसका सम किया एंड ये जो वैल्यू है इसकी दैट विल बी डेल्टा आई एन जे. This will be equal to summation of k to k is equal to 1 to m delta j w j k and this इसके बाद फिर आप करोगे error information calculate करने. so error information ये इसकी जो value होगी that will be delta j will be equal to delta I n j that is function of z I n j. तो ये हुआ step 8. अब इसके बाद जो है ना next is step 9 और जो step 9 है ये है इसके next stage updation of weight. updation of weight and bias means back propagation करके error calculate कर ले. इसके बाद weight और bias को update कैसे करना है. तो जैसे हमने previous algorithm में weight और bias update करने के कुछ fixed equations होते थे similarly इसमें equation है the weight correction term. सबसे पहली चीज तो ये है कि for each output unit update its bias and weight. एंड वेट करेक्शन टर्म वेट अपडेट करना है ना तो अपडेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा वेट में कुछ चेंजेस. सो वेट करेक्शन टर्म दिस कैन बी गिवन एज डेल्टा डब्ल्यू जे के दिस विल बी इक्वल टू अल्फा. अल्फा जो लर्निंग पैरामीटर था इसके बाद डेल्टा के and then zi and bias correction term this bias correction term that is delta w ok this will be equal to alpha into delta k. jab ye correction kiya bias aur weight mein iske baad jo new weight hoga so new W J K new this will be equal to W J K old plus delta W J K or similarly dusra W O K new. ye J K aur O K jo hai na humne initially hi जो है ना जहां पर इनिशियलाइज किए थे वहां ये बता दिया था ना कि ये है क्या बायस ऑन
output and input, oh, sorry, hidden, dono ke liye. So this will be equal to WOK old plus delta WOK. और जो डेल्टा डब्ल्यू ओ के और डेल्टा डब्ल्यू जे के, ये हमने कहाँ कैलकुलेट किए इस इक्वेशन में, जे के एंड ओ के. तो जब आपने ये अपडेट कर लिया, ये आउटपुट लेयर में अपडेट हुए हैं. टाइम हो गया बेटा, बस दो चार मिनट और, क्योंकि ये जो है ना लास्ट स्टेप चल रहा है ना इसका. सो ये आउटपुट यूनिट है. आउटपुट यूनिट के बाद नेक्स्ट, जो इसके वेट अपडेट करने के बाद नेक्स्ट हम कहां जाएंगे, हिडन यूनिट में. सो फॉर ईच हिडन यूनिट, फॉर ईच हिडन यूनिट अपडेट इट्स बायस एंड वेट. पहले आउटपुट के लिए अपडेट किया था, अब की बार हम किसके लिए करेंगे, हिडन के लिए. और जो वेट करेक्शन है, वेट करेक्शन टर्म, वहां W लिया था, यहां पर हमने V लिया हुआ है. सो डेल्टा V I J दिस विल बी इक्वल टू अल्फा. डेल्टा हिडन के लिए हम लेते हैं J, और यहां पर इनपुट क्या होगा, X. सिमिलरली बायस के लिए, बायस करेक्शन, ये बायस करेक्शन टर्म है, यानी ये ऐड होगा उसमें. सो दिस विल बी इक्वल टू डेल्टा वी ओ जे, दिस विल बी इक्वल टू अल्फा इनटू डेल्टा जे. ये जो वी आई जे और वी ओ जे है, ये फिर किस में ऐड होंगे, वेट में. सो वी आई जे न्यू, दिस विल बी इक्वल टू वी आई जे ओल्ड प्लस इसमें क्या ऐड होगा, डेल्टा वी आई जे एंड वी इसके बाद वी ओ जे न्यू, this will be equal to VOJ old plus delta VOJ. तो ये means आपने जो ये term है, ये weight and bias दोनों को update किया after the back propagation for hidden unit, and इसके बाद जो इससे पहले के जो इक्वेशन है, इस डब्ल्यू आई जे प्लस डब्ल्यू ओ के, ये आपने वेट को अपडेट किया फॉर आउटपुट यूनिट. तो अब यहाँ पर एक चीज देखिए कि जब हमने वेट अपडेट करने शुरू किए, तो पहले हमने किसके लिए किया है, आउटपुट के लिए. मींस हम आउटपुट लेयर पर थे और आउटपुट लेयर से ही स्टार्ट किया. मींस ये हिडन लेयर, सॉरी ये इनपुट था, ये हिडन था, ये आउटपुट था. तो हमने पहले मूवमेंट की इनपुट टू हिडन, देन हिडन टू आउटपुट, और फिर आउटपुट में ही करेक्शन स्टार्ट किया सबसे पहले, और फिर आउटपुट के बाद करेक्शन किया हिडन में. तो ये पहले फॉरवर्ड मूवमेंट थी, ये बैकवर्ड, इसीलिए इसका नाम जो है ना बैक प्रोपगेशन है. तो सबसे पहले जो है ना एरर कैलकुलेट करने के बाद जो वेट और बायस जो अपडेट किए, वो आउटपुट लेयर पर, देन उसके बाद हिडन लेयर पर, और उनके वेट और बायस अपडेट करने के फॉर्मूले. और फिर इसके बाद जो नेक्स्ट लास्ट स्टेप है, दैट इज स्टेप 10, टेस्ट स्टॉपिंग कंडीशन. ये चेक करो एल्गोरिथम स्टॉप हो रही कि नहीं. और जो स्टॉपिंग कंडीशन है, ये आप कुछ भी दे सकते हो. दिस मे बी इपोच, इपोच आप कहो कि तीन इपोच के बाद, या एरर बता सकते हो कि कितनी एरर होनी चाहिए. आप जो भी स्टॉपिंग कंडीशन दोगे, वो स्टॉपिंग कंडीशन के अकॉर्डिंग ये एल्गोरिथम स्टॉप हो जाएगी. तो ये कंप्लीट स्टेप्स हैं बैक प्रोपगेशन एल्गोरिथम के. इन स्टेप्स का एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में किस तरीके से करते हैं, उसको हम लोग
नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है सर? सॉफ्टवेयर की ट्रेनिंग कब से स्टार्ट होगी?